इट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से इज वैन एन ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन कैप्टन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ एक्स वन अलॉन्ग द प्लेन बट वेन द इंक्लिनशन इज डिक्रीज टू थर्टी डिग्री द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट विद द सेम वेलॉसिटी इट कैन ट्रैवल एक्स टू डिस्टेंस हमें बताना है एक्स वन एक्स टू का रेशियो क्या होगा इंटरेस्टिंग सवाल है सिंपल सवाल है सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है जिसका लेटर से एंगल 60 डिग्री है दूसरा एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल आपका 30 डिग्री है सो so, एक ब्लॉक को जब आपने यहाँ से नीचे लॉन्च किया वी वेलोसिटी से आपने उसको वी नॉट वेलोसिटी से लॉन्च किया है तो वो एक्स वन डिस्टेंस जाता है दूसरी केस में जब आपने उसी को सेम वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर लॉन्च किया है तो वो लेटेस्ट से एक्स टू डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमें बताना है एक्स वन और एक्स टू का रेशियो क्या होएगा ठीक है इस केस में हम अपनी थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं और आपका इंक्लाइन प्लेन जो है फ्रिक्शन लेस प्लेन है सो so, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं आपका जो एक्सेशन होएगा दैट विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा सो इस वाले केस में आपका एक्सेलेशन जो आएगा ए वन इसको कह लेते हैं दैट विल बी टेन मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा विच विल बी रूट थ्री बाय टू तो अपना एक्सलेशन हो गया ए वन विल बी इक्वल टू फाइव रूट थ्री इस केस में आपका एक्सेलेशन अगेन जी साइन थीटा होगा थीटा की वैल्यू अपने को साइन थीटा थर्टी डिग्री का वन बाय टू होता है सो दिस विल बी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साइन थर्टी रख देंगे यहाँ पे सो so ये आपका ए टू एक्सेलेशन आ गया ना जब आपने वी नॉट वेलासिटी से लॉन्च किया है फाइनल वेलासिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी सो इफ यू यूज थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वन या आपकी ये डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे पहले केस में एक्स वन है एक्स वन विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जीरो है विल भी इक्वल टू इसको इधर ले आएँ सो इट विल भी इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर यू आपकी वी नॉट है डिवाइडेड बाई टू ए सिमिलरली आपका एक्स टू जो है वो हो गया वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए टू ये वन है इन दोनों का रेशियो अगर अपने को लेना है एक्स वन और एक्स टू का रेशियो बताना है सो एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू विल भी इक्वल टू इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे विल भी इक्वल टू ए टू डिवाइड बाई ए वन इनवर्सली प्रपोशनल हो जाएगा इसके ए वन ए टू की वैल्यू रख लें तो दिस विल भी इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई फाइव रूट थ्री तो अपना रेशो आ गया वन बाय रूट थ्री सो बेज ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर